इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? सारे बच्चे मस्त हैं? चलिए तो आज क्या हो रहा है, मेंटी क्विज की तरह मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, जो भी पूरे वीक में पढ़े हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के छोटे छोटे टॉपिक्स। ठीक है, बोले तो जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब के टॉपिक्स ले लूंगा मैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आज मेंटी क्विज करेंगे। तो उससे पहले फटाफट करते हैं अपने टीम मेंबर, जो भी नए बच्चे हैं उनको मिला देता हूं अपने टीम मेंबर से। तो राहुल पंचोली सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, कुमार संस्कार सर आपको सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे, प्रशांत जैन सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप राहुल पंचोली सर, कुमार संस्कार सर और प्रशांत जैन के साथ सर के साथ जुड़ जाओ और प्रॉपर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही आईयूसी में आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी, इनके जो डायग्राम्स वगैरह है और जो समझाने का तरीका वो इंटायरली डिफरेंट है, जैसे कि आपको प्रॉपर क्लासेस में बायो में लेते होंगे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको आईयूसी में पढ़ाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा आप लोग को कि फटाफट आकर जुड़ जाइए और बायो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना आईयूसी में से। अजय सिंह सर आपको पढ़ाएंगे मेंटल एबिलिटी एंड आपको पढ़ाएंगे थोड़ी बहुत मैथ्स, तो इनके साथ भी जुड़ जाइए और इनकी क्लासेस भी अटेंड करने लग जाइए प्रॉपर तरीके से, आपको बहुत सारी बेनिफिट अजय सिंह सर के साथ भी मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा आप लोग को कि सारे टीचर कोटा से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। मैं हूँ हिमांशु नाथ, जो कि आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री मंडे टू संडे 12:30 मॉर्निंग में एनटीएससी 1 और 2 के लिए, और 9:30 को पढ़ाऊंगा मैं केवीपीवाई और एनएसईजेएस के लिए। मैंने बीटेक किया हुआ है और साथ साथ में मैंने मास्टर्स किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करे, बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा ड्यू टू एक्सपीरियंस, 5+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी मेंटर किया हुआ हूँ, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं यही बोलूंगा सारे बच्चों को, करना क्या है आप लोग को, आप लोग को प्रॉपर तरीके से अनअकैडमी पे आ जाना है और अनअकैडमी पे सारी क्लासेस लेनी है शुरुआत से लेके अभी तक। मैं यही बोलूंगा आप लोग को कि फटाफट आ जाइए और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कोड इस्तेमाल करना है वो जरूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ क्या क्या बेनिफिट है वो बता देता हूँ, जो नए बच्चे आए हैं उनको बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको। क्या बेनिफिट होगा, तो बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर यहाँ पर हैं तो उनकी क्लासेस मिलेंगी, डिफरेंट कोर्सेज होंगे, प्लस हमारी पूरी की पूरी टीम जो आपको यहाँ दिख रही है वो अनअकैडमी पे एक कोर्स लॉन्च कर चुकी है, तो उस कोर्स को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी और इनरोल कर लीजिए उस कोर्स को। उससे क्या होगा, तो आपको कोई से भी कॉम्पिटिशन में फाइट करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो फटाफट मैं बोलूंगा कि आप लोग अनअकैडमी पे आइए और ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन और एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए। ठीक है ना, करना क्या होगा आपको, गूगल प्ले पे जाना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और जो गोल चूज करना है वो है फाउंडेशन और एनटीएससी। गोल चूज करिएगा कौन सा, फाउंडेशन और एनटीएससी। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स मिलेंगे वहां पर, तो मैं यही बोलूंगा कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चार्ज ही पे कीजिए, क्योंकि ये सबसे मिनिमम और सबसे बेस्ट प्लान है। ठीक है, 75% ऑफ चल रहा है, और अगर आपने पहले बोला मैंने कि अगर आपने अपने कोड में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लगा दी तो जो आपका इफेक्टिव प्राइस है वो 10% कम हो जाएगा, और जो इफेक्टिव प्राइस है ऑन एंड ओनली 18,900 पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा बच्चे लोगों के साथ कि फटाफट ये कोड अवेल कर दो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन लगाना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट मेंटी क्विज की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं केवीपीवाई और एनएसईजेएस की, तो फटाफट क्या करना है आपको, ज्वाइन कर लेना है आपको। तो चलिए आज मेंटी क्विज कराने वाला था मैं, तो मेंटी क्विज का कोड है वो है 254379। मैं यही बोलूंगा कि आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए मैं इसको फुल कर देता हूं, आपको फुल स्क्रीन में खेलेंगे मेंटी क्विज। करना क्या होगा मेंटी क्विज खेलने के लिए, तो अपने यूआरएल में अपने मोबाइल के पहले तो जो गूगल क्रोम हो या फिर फायरफॉक्स हो या फिर ओपेरा मिनी हो, किसी में भी जाइए, क्या करिए menti.com डाल दीजिए। ठीक है, menti.com डालिएगा तो आपसे कोड पूछेगा कि किसका कोड इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मेरा कोड है जो इस प्रेजेंटेशन का वो है 254379 इज माय कोड। तो आप लोग क्या करना है, फटाफट इस कोड को इस्तेमाल करना है और जुड़ जाना है इस मेंटी क्विज के अंदर। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं,
तो मैं बोलूंगा कि फटाफट इस कोड को डालिए 254379 और फटाफट आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए menti.com, क्योंकि आपको पता ही है मैं हमेशा बेस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ वेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन निकाल कर लाता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं यही बोलूंगा सारे बच्चों को कि आइए और फटाफट तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री मेरे से स्टार्ट किया ना, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आएगा। आपने बस क्या करना है, गो थ्रू हो जाना है और स्टार्ट करना है। मैं वापस बोलूंगा उन बच्चों को जो अभी देख रहे होंगे, menti.com पे जाइए, 254379 कोड इस्तेमाल कीजिए। मैं चालू कर रहा हूं अपना क्यूज, ठीक है? तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि फटाफट आज क्यूज कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दिया मैंने क्यूज। तो जो पहला क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी पता है, वॉन्ट टू क्रैक केवीपीआई और एनएसईजेएस, देन ज्वाइन आवर टीम। आवर टीम मतलब हमारी टीम है जो कोटा की फाउंडेशन एंड एनटीएससी की जो टीम है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मे बी हो पाएगा क्या सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको आएगा सर लेट्स क्रैक इट। क्या आएगा? लेट्स क्रैक इट, डू इट सर, डू इट, वी विल, ठीक है? ऐसा ही आपके अंदर आना चाहिए, मोटिवेशन लेवल हाई, तभी तो कर पाएंगे क्वेश्चन, तभी तो करेंगे क्रैक और तभी तो स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, केवीपीआई का 5K का स्कॉलरशिप और नाम, ठीक है? आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडी ऑफ KLM सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है? हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको रेशियो बताना है रेडियस का, ठीक है? आपके ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, फटाफट करके बताइए, ठीक है? चलिए करिए। द करेक्ट आंसर इज 149 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, आपको पता ही होगा रेडियस का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, सेल्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, स्क्वायर के, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है? तो के वन होगा तो वन आएगा, एल टू होता है तो टू का स्क्वायर फोर होता है तो फोर आएगा, एम क्या आएगा, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर नाइन। तो ऐसे करके आराम से आंसर दे पाते आप लोग, सेल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो ऑलरेडी आप लोग आंसर दे पाएंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर पाएंगे क्या बच्चे? तो ये रहा आपकी रैंकिंग और लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड आ चुका है, देखते हैं यहाँ पर टॉप कौन करता है। तो यहाँ पर आया है आपका, मैं तो टॉप 10 में आ गया, इज द टॉपर, टॉपर है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन है और बच्चे देख पाते हैं, कर पाते हैं क्या ये क्वेश्चन, देखते हैं बच्चे ये क्वेश्चन कर पाते हैं क्या। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, सबसेल के अंदर करेक्ट फिलिंग ऑर्डर बताना है आपको, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होंगे, सिंपल सा बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, है ना? लोअर से हायर की तरफ बताना है, सिंपली आराम से टाइम दिया हुआ है मैंने, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे ऑप्शन चेक करो, अच्छे से बताओ, कहीं कोई गड़बड़ मत करना, आराम से क्वेश्चन करना, ठीक है? यस, एवरीवन शुड बी वॉच, ठीक है? सब लोगों को देखना चाहिए एक मेंटी क्यूज को और बहुत ही मजा आने वाला है इसके अंदर, ठीक है? ठीक है, जल्दी जल्दी आइए खेलिए, ठीक है? मेंटी क्यूज देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या, कितनी तैयारी करे हैं इस पूरे वीक में, तैयारी कैसी थी बच्चों का अभी पता चल जाएगा, ठीक है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस है, आराम से करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है? तो मैंने टाइम दिया था, होप सो सारे बच्चे कर दिए होंगे, कोई बच्चा रह नहीं पाए होंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहाँ पर करेक्ट दिया है, 32 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जो सिखाया वो आपने सीखा है, और जो बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं प्लीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए होंगे तो प्रॉपर तरीके से एन प्लस एल रूल को फॉलो करते आराम से यहाँ पर अबव प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है? अबव प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, आराम से आंसर दे पाते हैं। देखते हैं यहाँ पर किसने फास्टेस्ट दिया है और कौन होगा अपना टॉपर, ठीक है? तो टॉपर, न्यू टॉपर आ गए हैं, वो है शुभम, सैल्यूट टू आवर बैंकर्स, ओके, ठीक है, बैंकर को सैल्यूट कर दो भैया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सेकंड पे है जॉय जीत देव, ठीक है, ये है आपके सेकंड पे क्रैक जेई, थर्ड पे है महेश, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे सालीन है, फिफ्थ सिक्स पे जुबिन है, सेवन पे मैं तो टॉप 10 में आ गया, सेवन पे आ गए हैं
और आ गया है 8th पे है आदित्य एंड रक्षित है, सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया रक्षित ने, अभी आया और अभी टॉप 10 में आ गया है। ठीक है रक्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टॉप पिक दिया है। ठीक है और केशवानी ने दिया है आपका 10th पे आ गया केशवानी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, कर पाते हैं क्या क्वेश्चन अगला। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या। इजी क्वेश्चन, टाइम भी कम दिया हुआ है, फटाफट करिएगा, ज्यादा टाइम लगाइएगा नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से 21 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है ना ड्यूट्रियम लिखा हुआ है बेटा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिट्रियम, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1। ठीक है तो NS1 ही करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं थी। ठीक है तो बहुत आराम से कर पाए होंगे सारे बच्चे यहां पर। ठीक है ना चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर कौन है टॉपर, देखते हैं दोस्तों कौन है टॉपर। तो टॉपर है जुबिन, जुबिन आ गया है यहां पर, और लोन टाइगर इन क्विजिंग एरेना। ओके वाओ क्या कमेंट लिख कर देता है, चलिए देखते हैं जुबिन टॉप कर पाएंगे इस बार भी कि नहीं। एंड सेकंड पे है क्रैक जेई और थर्ड पे है मैं तो टॉप 10 में आ गया, फोर्थ पे है जॉय जीत देव, फिफ्थ पे है रक्षित, सिक्स पे है आर्यन गुप्ता, सेवेंथ पे स्पर्श, एट्थ पे है आपका केशवानी, एंड नाइन्थ पे है आपके मोन्टना, एंड टेंथ पे है करणवीर, करणवीर टेंथ पे आ चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाएंगे क्या बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दिस इज द योर क्वेश्चन। p orbital in a given cell can accommodated up to 4 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ रख सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन रख सकता है। देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं ये बच्चे कर पाएंगे क्या, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या। ठीक है देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या इस क्वेश्चन में। 3, 2, 1 द करेक्ट आंसर इज, ठीक है इज 10 इज द करेक्ट आंसर। 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल में बेटा, आपको पता ही है एक ऑर्बिटल में कितने फिल होते हैं, यहां पर गिवन है e ऑर्बिटल, तो यहां बच्चे ने समझ पाए p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में फर दिए इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहां पर 10th बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और बाकी यहां पर फंस गए, तो मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो दुर्घटना घट जाती है, आपको पता ही है गाड़ी को कैसे चलाना पड़ता है, संभल के चलानी पड़ती है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, लास्ट ऑप्शन पढ़ी ही नहीं। ठीक है तो थोड़ा सा दिमाग पड़ा होता तो आराम से ये क्वेश्चन कर पाते। देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या चेंजेस आते हैं, लीडर बोर्ड में देखते हैं चेंजेस कर पाए हैं क्या। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आर्यन गुप्ता आई वॉन, बस जुबिन बहुत हुआ, आर्यन गुप्ता डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं जुबिन को, बोल रहे हैं बस अब बहुत हुआ मैं ही जीतूंगा। ठीक है जुबिन भी फास्टेस्ट आंसर देकर टॉप पर बना हुआ है, थर्ड पे है सालीन, फोर्थ पे है क्रैक जेई, फिफ्थ पे है मैं तो टॉप 10 में आ गया, सिक्स्थ पे है मैथ्स लवर, सेवन्थ पे है ज्वायजीत देव, एट्थ पे है रक्षित, नाइन्थ पे है नीतीश, एंड टेंथ पे है स्पर्श। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाएंगे क्या बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कर पाएंगे क्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, दिस चलिए करिए इसको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी बोले तो फास्फोरस लिखा हुआ है बेटा, घबराने की बात नहीं है, फास्फोरस एटम इज एक्सप्लेन बाय, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस एटम इज एक्सप्लेन बाय। ठीक है ज्यादा घबराइएगा नहीं, आराम से हो पाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे यहां पर बच्चे। ठीक है देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या है इसको। ठीक है द करेक्ट आंसर इज हंट्स रूल, आउटपुट प्रिंसिपल। ओके यहां पर गड़बड़ हो चुका है, यहां पर क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है बेटा। ठीक है तो इसको क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, रीसेट। आपको पता है कुछ चीज गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना, इसको रीसेट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। ठीक है
इसका रिजल्ट का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका हंट्स रूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हंट्स रूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन को भी चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो चलिए, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना, प्रेजेंटेशन में आ रही है, डाटाबेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, हर कभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए फुल स्क्रीन कर देते हैं और ये क्वेश्चन को हटा ही देते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ठीक है ना, रिसेट कर दिया गया है, कोई चेंज नहीं आएगी यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, देखते बच्चे कर पाते हैं क्या। नाइट्राइड आयन इज कंपोज्ड ऑफ, नाइट्राइड आयन किससे बना होता है, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं यहां पर बच्चे कर पाते हैं क्या। बिल्कुल 18 लोगों ने सही आंसर दिया है, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप लोग आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड में क्या कुछ कर पाए हैं क्या यहां पर, चलिए देखते हैं यहां पर। तो आर्यन गुप्ता है आपके फास्टेस्ट, एंड जुबिन है सेकंड पे, थर्ड पे है क्रैक जेई, फोर्थ पे है मैं तो टॉप 10 में आ गया, फिफ्थ है स्पर्स, सिक्स्थ पे है रक्षित, सेवंथ पे शशांक आदित्य, एट पे नाइन्थ पे सर चैट देख लिया करो। बिल्कुल सर चैट देखते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, और टेंथ पे है निशित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या। विच इमिशन स्पेक्ट्रम इज विजिबल, कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम विजिबल है, ठीक है, देखते हैं यहां पर बच्चे कर पाते हैं क्या। स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ पता है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, लेमन बाल्मर पासन ब्रैकेट या आपके स्पेक्ट्रम होते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो लेमन बाल्मर पासन ब्रैकेट पीफन ये सब स्पेक्ट्रम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वो है फर्स्ट पे गिरेगा तो वो लेमन होता है, सेकेंड स्टेट पे गिरता है तो आपका बाल्मर होता है, थर्ड पे गिरता है तो पासन होता है, एंड ब्रैकेट पे गिरता है तो आपका फोर्थ पे गिरेगा तो ब्रैकेट होगा। तो बाल्मर इज द करेक्ट वन, ठीक है ना, बाल्मर ही विजिबल होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको, आपको याद करना पड़ेगा यूवी ट्रिपल आई, यूवी यू बोले तो अल्ट्रा वॉलेट, लेमन आपका अल्ट्रा वॉलेट होता है, बाल्मर होते हैं वो होता है विजिबल, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके इंफ्रारेड होते हैं, कौन से रीजन के अंदर होते हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज निकलेगा वहां से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को आराम से कर लेना चाहिए था, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर कर पाते हैं क्या बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे कर पा रहे हैं क्या। तो आर्यन गुप्ता टॉप पर है, सेकंड पे जुबिन है, थर्ड पे क्रैक जेई है, फोर्थ पे रक्षित है, फिफ्थ पे स्पर्स है, सिक्स्थ पे मैं तो टॉप 10 में आ गया, सेवंथ पे मिरियम केशवाई केशवानी, ठीक है, एट पे है मैथ्स लवर, नाइन्थ पे है सालीन और टेंथ पे है महेश, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, अभी तक आप लोग बने हुए हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन कर पाते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ सेकेंड मोहर ऑर्बिट इज, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे बच्चे, ठीक है, ठीक है, जल्दी फटाफट करिए, देखते हैं यहां पर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। फटाफट करिए आप लोग इसको, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी करिए। करेक्ट आंसर इज 16 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है ना। सेकेंड बोहर ऑर्बिट आपको ऑलरेडी पता होगा फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो आपको पता होगा, है ना, 0.053 नैनोमीटर होता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। पर इसमें क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एन से स्क्वायर होता है, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट बोल रहा है तो एन इक्वल टू 2, इसका मतलब एन का स्क्वायर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना था 0.53 को, है ना, तो आंसर क्या आता 2116 आ जाता, तो बहुत ही ईजी था, आप लोग कर पाते इस क्वेश्चन को, यहाँ पर कोई गड़बड़ की बात नहीं थी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कर पाते हैं क्या। ठीक है,
तो जो टॉपर हैं वो है आपके आर्यन गुप्ता, सेकंड पे जुबिन है, थर्ड पे क्रैक जई है, फोर्थ पे स्पर्श है, फिफ्थ पे जॉय है, एंड सो ऑन। ठीक है, उत्सव उत्सव दास भी आ चुके हैं अपने टॉप टेन में, निशित भी आ चुका है, आदित्य भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या। क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड, क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड, बताइए फटाफट। ठीक है, क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड, सिंपल सा आंसर है बताया हुआ क्वेश्चन में, आराम से बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पर, फोटोन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला कर पाते हैं क्या, कौन कौन बच्चे करे हैं यहाँ पर, कौन है टॉपर। तो सारे लगभग सारे टॉपर्स ने किया है क्वेश्चन को, पर सबसे फास्टेस्ट जो किसने किया है वो बताऊंगा मैं आपको, शालीन ने सबसे फास्टेस्ट किया है। आर्यन गुप्ता टॉप पर है, जुबिन सेकंड पे है, क्रैक जी थर्ड पे है, स्पर्श फोर्थ पे है, ज्वाय जीत देव फिफ्थ पे है, सिक्स पे है, मैं तो टॉप टेन में आ गया, सेवेंथ में है आदित्य, एट्थ पे है उत्सव दास, नाइन्थ पे है केशवानी, एंड टेंथ पे है शालीन। शालीन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत फास्टेस्ट आंसर दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या बच्चे, अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या। आयनिक रेडी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, आयनिक रेडियस करेक्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है कौन से में। ठीक है, चार ऑप्शन गिवन है, टाइम 30 सेकंड देते हैं। ठीक है, टाइम 30 सेकंड है, तो आप लोग घर पर आइए, आराम से करिए क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कराया हुआ है मैंने, डीपीपी में कराया हुआ है, एक्सरसाइज में कराया हुआ है, प्रैक्टिस मटेरियल में गिवन है, सारे के सारे चीजों में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, और होप सो यहाँ पर कोई बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो लगभग सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया होगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज 21 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ये कैसे हो गया भाई साहब, ये सब कैसे चूज कर लियो आप लोग, घबरा के लग रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो H माइनस है यहाँ पर, ध्यान देने की बात है, H माइनस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव की साइज बढ़ जाती है न्यूट्रल से, एंड जो पॉजिटिव होता है वो छोटा पड़ जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो करेक्ट आयनिक रेडियस है वो यही होगा। ठीक है ना, ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कमेंट नहीं देखते, मैं रेगुलर कमेंट देखता हूँ आपका। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर किसने किसने, आर्यन गुप्ता टॉप पर बना हुआ है, दोनों जुबिन और आर्यन देखिए दोनों ही फास्ट आंसर दिए, थर्ड पे है क्रैक जेई, फोर्थ पे है स्पर्श, सिक्स पे आदित्य, सेवन पे उत्सव दास, एंड मैथ्स लवर है आपके एट पे है केशवानी, नाइन्थ पे है जॉयजीत, एंड करणवीर टेंथ पे। ठीक है, तो करणवीर कॉन्ग्रेचुलेशन, वापस से आप टॉप 10 में आ चुके हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या बच्चे, यहाँ पर जल्दी जल्दी करिए, बहुत ही इजी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे सिमिलर है, बहुत ही ट्रिकी बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए टाइम भी मैंने कम दिया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो आंसर है वो है हीलियम, हीलियम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो वो होगा 1s2, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो वो होगा 1s2, बाकी इसका देखोगे लिथियम का जो कि ज्यादातर आंसर दिए वो 1s1 होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा, बोरोन का भी, तो बोरोन का अलग ही होगा, सोडियम का भी 1s1 होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आता बेटा वो है हीलियम। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम का हीलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सिमिलर होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आराम से ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या होगा, नहीं ऐड कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर, ठीक है, तो द करेक्ट आंसर था वो आर्यन गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जुबिन ने भी करेक्ट आंसर दिया है। बेटा यहाँ पर जितने कमेंट कर रहे हैं वो बोलूंगा menti.com पे आ जाओ, और नॉलेज की दुकान यहाँ पर मत बनिए, यहाँ पर बनिए, क्विज करो, सारे के सारे क्वेश्चन सही है, गड़बड़ कुछ नहीं है। ठीक है, और गड़बड़ होगा, गलती से डाटाबेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उसको सही कर दूंगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बच्चों को भ्रमित नहीं करें कमेंट करके। ठीक है, आर्यन गुप्ता टॉप पर है, सेकंड पे है जुबिन, थर्ड पे है क्रैक जेई, फोर्थ पे स्पर्श है, फिफ्थ पे आदित्य है, सिक्स पे उत्सव दास है, सेवंथ पे मैथ्स लवर है, एट पे केशवानी है, नाइन्थ पे ज्वायजी देव है, और टेंथ पे करणवीर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सारे बच्चे यहाँ पर अच्छे कर पा रहे हैं। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या बच्चे यहां पर, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी इज जनरल फ्यूचर ऑफ, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे यहां पर, कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, सारे के सारे आंसर आप लोग बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है तो आराम से कर पाएंगे आप लोग। 2 3 1 फटाफट आंसर दे दो। ओके दे दिया। द करेक्ट आंसर इज डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी ना तो एस पी वैलेंसी वेरिएबल नहीं शो करता, डी आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, ज्यादातर देखा जाता है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर कौन कौन आंसर करेक्ट दे पाए हैं। आर्यन गुप्ता फास्टेस्ट दिया है, जुबिन सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं क्रेग जई, फोर्थ पे हैं स्पर्स, एंड फिफ्थ पे आदित्य, सिक्स्थ पे सालीन, कनरवीर करणवीर हैं आपके, सेवेंथ पे, एट्थ पे हैं, बिल्कुल देख लेते हैं बेटा आप टेंशन मत लो, नाइन्थ पे है मैं तो टॉप टेन में आ गया, टेंथ पे उत्सव दास है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे यहां पर आ चुके हैं और टॉप पर बने हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं कर पा रहे हैं क्या। एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग टू, एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग टू, ठीक है, किससे बिलोंग करेगा। सेवेंथ पीरियड सेकंड ग्रुप, सेवेंथ पीरियड सिक्सटीन ग्रुप, सिक्स्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप, सिक्स्थ पीरियड सिक्सटीन ग्रुप, देखते हैं यहां पर बच्चे कर पाते हैं क्या इस क्वेश्चन को। मैंने बता रखा है कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करिए मैजिक नंबर और सॉल्व कर पाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 22 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है यहां पर, और बाकी लोगों को यही बोलूंगा बेटा यहां पर फंसने की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सीजियम इज द एलिमेंट या मेटल बोलो जो कि बिलोंग करता है एटॉमिक नंबर 55 को, ग्रुप नंबर 1 होता तो डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर दे देना चाहिए था ग्रुप नंबर 1, ठीक है। पीरियड विरियड की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोग, क्योंकि सारे ग्रुप अलग अलग है, पीरियड सिमिलर है, तो ग्रुप पे कंसंट्रेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था शॉर्ट तरीका, आपको बता दिया मैंने कि कैसे करेंगे, कुछ तरीके मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको। तो जो टॉपर है वो है आपके, अगेन यहाँ पर टॉपर आर्यन गुप्ता ही बने हुए हैं, पर जुबिन ने फास्ट आंसर दिया है, जुबिन कांग्रेचुलेशन टू यू। थर्ड पे है क्रैक जेई, फोर्थ पे आदित्य, फिफ्थ पे सालीम, सिक्स्थ पे सर, चैट देख लिया करो बिल्कुल देखते हैं, सेवेंथ पे है आपके स्पर्स एंड सॉरी सिक्स्थ पे ठीक है सेवेंथ पे स्पर्स है, एट्थ पे करणवीर है, एंड हेमंत आ चुके हैं आपके नाइन्थ पे, कांग्रेचुलेशन टू हेमंत आप आ चुके हो अब टॉप टेन में, महेश हैं आपके टेंथ पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या बच्चे, देखते हैं बच्चे यहां पर कर पाएंगे क्या अगला क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट स्टार्च होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइट्राइट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइट्राइट एंड स्टार्च होता है, देखते हैं यहां पर कर पाए हैं क्या बच्चे, देखते हैं इस बच्चे बच्चे लोग कर पाएंगे क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने बना के दिया है ये, ठीक है ना। देखते हैं बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरे को ज्यादातर बच्चों का आंसर पता है वो दे पाए होंगे। 3 2 1 एंड गोज ऑन, 40 लोगों ने आंसर दिया है, द करेक्ट फोर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। जो आपका बेकिंग पाउडर होता है बेटा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दे दे आपको तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइट्राइट प्लस स्टार्च, इन तीनों का मिक्सर होता है, उसको बेकिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको इस्तेमाल करेंगे जैसे पकौड़े बनाने में या केक बनाने में या समथिंग समथिंग बनाने में। तो द करेक्ट आंसर वो है, फोर्थ लोगों ने दिया है, शायद लास्ट के ऑप्शन पढ़े नहीं आपको, फटाफट आंसर देखते ही दबा दिए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दे दिए हैं आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं लीडर बोर्ड कर पा रहे हैं आप लोग। फर्स्ट पे है आपका पफी फर्स्ट पे है, सेकंड पे जुबिन है, थर्ड पे लेट्स क्रेक, फोर्थ पे आपका पफी आई थिंक ये आपका वही है इसको, सर चैट देख लिया करो बिल्कुल देखते हैं, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे एस किड्स ठीक है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे आदित्य है, सालीम सेवेंथ पे है, करणवीर एट्थ पे है, बेयरफुट
आपके बेयर फुट है 9th पे एंड कुकी वो है 10th पे हुमर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखते हैं बच्चे कर पाएंगे क्या इस क्वेश्चन को। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, बहुत ही इजी ऑप्शन है। आई थिंक अगर कल का लेक्चर आपने केवीपीवाई का अटेंड किया होगा तो आराम से आप लोग आंसर दे पाते हैं। कल लाइट का लेक्चर अटेंड किया होगा, बिल्कुल 9 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। लिथियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू कोवेलेंट करेक्टर। आपको बताया था मैंने कि कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाता है लिथियम क्लोराइड के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो आयोनिक वाला। ये तो बिल्कुल गलत आंसर दिया था, सीजियम क्लोराइड मोस्ट आयोनिक कंपाउंड है इनमें से, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी की होती, लोएस्ट होगी वो है लिथियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर 9 बच्चों ने कर पाए हैं, देखते हैं कौन कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है और यहाँ पर टॉप 10 में आए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लोज चल रहा है यहाँ पर, तो फास्टेस्ट दिए हैं यहाँ पर शुभम, सेकंड पे जुबिन है, थर्ड पे क्रैक जी है, फोर्थ पे है सर चैट देख लिया करो यार, देख लेता हूँ मैं, देखो देखता रहता हूँ निश्चित मोबाइल एंड चैट देखता हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। फोर्थ पे एस किज, फिफ्थ पे है एस किड्स, और सिक्स पे है करणवीर आदित्य, सेवन पे है सालीन, एट पे है नाइन्थ पे मैं तो टॉप 10 में आ गया, एंड 10th पे है बेरफुट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बता दिया कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है ज्यादा लिथियम क्लोराइड में, आयनिक करेक्टर कम रहता है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लाइटेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछा है, ध्यान रखिएगा, और लाइटेस्ट पूछा है, ठीक है, तो बिल्कुल रेक्टिफिकेशन आंसर है, द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम, कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर, लाइटेस्ट मेटल होता है आपका कैल्शियम, ठीक है, बहुत ही इजी आंसर था, ठीक है, बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं यहां पर अगला लीडर बोर्ड, यहां पर कौन कौन कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। ओ माय गॉड, यहां पर बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे हो गए हैं, ओके, शालीन आ चुके हैं, जुबिन फास्टेस्ट आंसर दिया है, पर पफी टॉप पर बना हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट पे है पफी, सेकंड पे है जुबिन, थर्ड पे क्रैक जी, फोर्थ पे शालीन, फिफ्थ पे है सर चैट, देखिए करो, देखता हूं बेटा, देखो देख लिया, ठीक है सर, और फिफ्थ पे है आप, सिक्स पे आपके एस किड्स करणवीर, सेवन पे है आपका जो, एट पे है टूडेज विनर आदित्य, टूडेज विनर, ओके, देखते हैं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। 9th पे मैं तो टॉप 10 में आ गया है, मैथ्स लवर 10th पे है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाते हैं क्या बच्चे। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक ये आपका मेंटी क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चे कर पाएंगे क्या। व्हेन वॉशिंग सोडा हीटेड विच गैस रिलीज, जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, देखते हैं यहाँ पर बच्चे कर पाएंगे क्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या इस क्वेश्चन को, कर पाते हैं क्या, ठीक है, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या। आर्यन, ओके आर्यन, ठीक है, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं क्या। तो करेक्ट आंसर है वो है वाटर वेपर, बिल्कुल हीट करिएगा तो वाटर वेपर निकलता है आपको, क्योंकि आपको पता ही है वॉशिंग सोडा में क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल वाटर होते हैं, क्या होते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर होते हैं। तो अगेन आर्यन गुप्ता सेकंड पे आ चुके हैं, अगेन जुबिन टॉप पे आ चुका है, जुबिन इज द विनर, अगेन आर्यन आप थोड़ा सा मिस कर गए हो, सेकंड पे आ गए हो, अगेन आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे खेले हो आप आर्यन, ठीक है, अगली बार बेटर to next time and congratulations to Jubin, again तुमने last question में बाजी मार लिया है, बहुत tricky question बनाया था मैंने और आप जीत चुके हो। और सारे बच्चे बता देता हूँ कौन कौन से हैं, तो first पे हैं Jubin, second पे हैं आपके आर्यन, third पे क्रैक जेई, fourth पे हैं आपके शालीन, और fifth पे हैं सर चैट, देख लिया करो, देखते हैं बेटा, और उसके बाद हैं एस्केड्स, और फिर उसके बाद हैं आपके मैथ्स लवर, ठीक है, और आपकी 8th पे है करणवीर आदित्य, 9th पे है टुडेज विनर, एंड 10th पे है मैं तो टॉप 10 में आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे, तो अगर आप लोगों को ये क्विज
मजा आ रहा है तो लाइक ठोक देना बच्चा, टेंशन लेना नहीं है। लाइक क्या करना है आप लोग को, ठोक देना है। कमेंट करना है भर भर के, क्या करना है आप लोग को, कमेंट करना है। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा बच्चों लोग को कि प्लीज एंड प्लीज लाइक द वीडियोज, कमेंट ऑन दिस वीडियोज। कोई भी अगर आप क्वेरी वगैरह है तो कमेंट करिएगा, उसका डेफिनेटली आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग माय मेंटी क्विज। लेट्स क्रैक फाउंडेशन और एनटीएससी विद आवर टीम। मेरी टीम के साथ जुड़ जाओ, रैंक ऐसे करके ऊपर चली जाएगी, इंप्रूव हो जाएगा रैंक, ठीक है ना। और अनअकैडमी पे फटाफट आ जाइए, और अनअकैडमी पे आने के लिए कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लगाइएगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो लगाना जरूर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, और मैं यही बोलूंगा बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर भर भर कर आऊंगा, ठीक है, और आपको बहुत सारा मजा आएगा, ठीक है। तो लेट्स क्रैक फाउंडेशन एनटीएससी विद अस, और हमारी टीम के साथ फटाफट जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो पाए आप लोग को जुड़ जाना है और सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर लेकर आऊंगा। कल संडे है तो कुछ स्पेशल होगा, तो प्लीज फॉलो करिए मेरे को, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री बाय हिमांशु नाथ, ठीक है, नाम याद रखना HN, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, बहुत काम का आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा अगेन, मजे करते रहिए, घर में बैठे रहिए और खूब इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। मेरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।